तुम्हारे बड़े पापा को फौज में जाने का बहुत शौक था। फौज में तो जा नहीं सके, घर में अदालत लगा लेते। मुझे अपने दो सवालों के जवाब चाहिए। ये कार्ड्स कौन खेल रहा था और कौन लाया इस घर में, और वो पपी वो कौन लेकर आया? लारेब। लारेब? मेरा मतलब है कि पापा लारेब जानती हैं इस सारे सवालों के जवाब, तो लारेब बताएगी क्या? ये लारेब का जिक्र कहां से आ गया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हर चीज की जिम्मेदार लारेब ही होती है, उसी का नाम आएगा। सारा किया धरा ही उसका। क्या मेरी प्यारी बेटी का नाम क्यों लिया जा रहा है? उसका क्या लेना देना इस पपी से और वाद से? पापा दरअसल इरफान ये कहना चाह रहा है कि आप लारेब से ही पूछिए ना, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगी। लारेब, क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में ये कार्ड्स कौन लाया और ये डॉग कहां से आया? बड़े पापा, वो डॉग तो नहीं है, वो तो क्यूट सा पपी। जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्यूट सा पपी ही बड़ा होके डॉग बनता। ये मजाक का वक्त नहीं है, इस डॉग की वजह से बुआ मरते मरते बची है। बड़े पापा, वो बुआ तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, ये काटने वाली ब्रीड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? यही तो लाई थी। मेरा मतलब है पापा, लारेब उसको छोड़ कर आई थी, घर से बाहर छोड़ कर आई थी उसको। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लारेब, क्या सजा दी जाए इनको? ये तो बड़ी आसान है। ओहो, ये मजाक छोड़ो, ये क्या हुआ? I'm sure ये कुत्ते से डर के चीख रहा है फान। लारेब, बताओ फिर क्या सजा दी जाए? बड़े पापा, इन दोनों के लिए पपी की वजह से ना बुआ जख्मी हुई है, तो इस तरह करते हैं कि आज ये दोनों किसी का काम संभालेंगे। क्या? बहुत खूब, बहुत अच्छी सजा है। बहुत अच्छी। चलो भाई, किचन आज का दिन। किचन चलो, किचन बर्तन धो ना और चेक कर लेना। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।